की एक खास खबरें। श्री गंगानगर जिले के गस्तिंगपुर थाना क्षेत्र के ख्यालीवाला बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 17 करोड़ रुपए की 3.5 किलो हेरोइन बरामद की है। हेरोइन बरामद के बाद जवानों ने मौके से ही 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा 2 जनों को क्रेटा गाड़ी पर भागते हुए दबोचा। इस दौरान एक तस्कर फरार होने में भी कामयाब हो गया। फरार तस्कर को पकड़ने के लिए पुलिस व सीमा सुरक्षा बल ने सर्च अभियान चला रखा है। पकड़े गए तस्कर पड़ोसी राज्य पंजाब के बताए गए हैं। पुलिस व अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रात्रि को ख्यालीवाला चेक पोस्ट के निकट खेतों में कुछ किसान पानी की बारी लगा रहे थे। इस दौरान किसानों ने कुछ युवकों को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते देखा। किसानों ने BSF को सूचना दी। पकड़े गए 4 तस्कर पंजाब के बताए गए हैं। 5वां साथी भी पंजाब का ही रहने वाला बताया गया है। ये 5 हेरोइन की डिलीवरी लेने के लिए आए थे। बता दें कि सप्ताह भर पहले भी पुलिस CID व BSF ने कार्रवाई करते हुए 35 करोड़ रुपए की हेरोइन सहित 5 तस्करों को काबू किया था। नाबालिग लड़के की मौत के मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला श्रीगंगानगर में पोक्सो न्यायालय ने करीब 6 साल पुराने मामले में सुनाया गया है, जिसकी हत्या हुई उस लड़के की उम्र 12 साल के लगभग थी। जानकारी के अनुसार इस मामले में जैतसर क्षेत्र के एक गांव के निवासी नत्थूराम को सजा सुनाई गई है। आरोपित रिश्ते में लड़के का मामा लगता है। वर्ष 2016 में घड़साना क्षेत्र के एक गांव निवासी परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके परिवार के बच्चे का खेत से अपहरण हुआ है। अपने स्तर पर भी परिजन बच्चे को तलाशते रहे। इसी बीच बच्चे का शव खेत में मिला। पीड़ित पक्ष ने एक व्यक्ति पर संदेह जाहिर करते हुए जानकारी उपलब्ध करवाई। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र के मक्कासर गांव की 2 KNG रोही पर एक युवक और नाबालिग लड़की ने जहर पी लिया। सूचना पर जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर मौके पर पहुंचे और जहर खाने की वजह से तड़प रहे युवक और नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि नाबालिग का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते जहर खाना माना जा रहा है, लेकिन जांच में ही स्पष्ट होगा कि इसका कारण क्या रहा। युवक की पहचान जसविंदर सिंह निवासी भैरूसरी रावतसर के रूप में हुई, जबकि नाबालिग भादरा तहसील क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश, बूंदाबांदी व धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं कई शहरों में मंगलवार सुबह और दिन में बादल छाने के बाद लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जयपुर अजमेर समेत कई जगह सुबह और दोपहर में बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग ने अब 9 और 10 जून से कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। जयपुर मौसम विभाग से जारी फोरकास्ट के अनुसार राज्य में आज 8 जून को मौसम साफ रहेगा। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में कहीं कहीं हीट वेव चल सकती है। वहीं 9 व 10 जून को प्रदेश के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कोटा, बारा, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में हल्के बादल छाने के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। राहुल गांधी मंगलवार को पंजाब पहुंचे। यहां पर मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर गए। मूसेवाला के परिवार से मुलाकात करके राहुल ने सिंगर की हत्या पर दुख जाहिर किया है। मंगलवार को ही अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की थी। मूसेवाला की 29 मई को शाम के वक्त सड़क पर ही खुलेआम हत्या कर दी गई थी। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला सिंगर होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। चुनाव के दौरान मूसेवाला और राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई थी। इस चुनाव में मूसेवाला जीत नहीं सके थे। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में सोमवार को 2 गिरफ्तारी हुई थी। इसमें से एक पर मूसेवाला की मुखबरी देने का आरोप है, वहीं दूसरा हत्या में शामिल बताया गया है। पंजाब पुलिस ने सोमवार को संदीप उर्फ केकड़ा को गिरफ्तार किया था। जोधपुर शहर के एक युवा ने एक युवती से प्यार किया, घर से भागकर उससे शादी भी की, लेकिन इसके बाद भी प्यार परवान नहीं चढ़ा तो उसने अपने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। मरने से पहले लक्ष्मण ने 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें अपनी पूरी कहानी लिखी। शहर के बदवासिया क्षेत्र निवासी लक्ष्मण ने उसी इलाके में रहने वाली ट्विंकल से प्यार किया। पिछले साल दोनों घर से भाग गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जाकर 15 अप्रैल को विवाह भी कर लिया, लेकिन ट्विंकल के घर वालों ने लक्ष्मण को स्वीकार नहीं किया। वो उसे लेकर अहमदाबाद चले गए। अपनी पत्नी को लेने लक्ष्मण भी अहमदाबाद गया। नाराज घर वालों ने अपनी बेटी को लक्की के साथ नहीं जाने विदा नहीं किया।
पत्नी को न्याय भेजे जाने से लक्ष्मण परेशान हो गया। वो वापस जोधपुर आ गया। पत्नी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया तो आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक सुसाइड पोस्ट डाला। उसमें लिखा कि मैं जिसके लिए जिंदा था, जब वो ही नहीं आ रही है तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा। सलमान खान को मिले धमकी भरे पत्र के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ जेल में पूछताछ हुई है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कहा है कि इस धमकी भरे लेटर को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है। लॉरेंस ने कहा कि सलमान को मारने की साजिश उसने पहले रची थी, लेकिन इस बार धमकी देने में उसका कोई हाथ नहीं है। बता दें कि पिछले हफ्ते सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला था। इसमें कहा गया था कि उनको सिद्धू मूसेवाला की तरह मार दिया जाएगा। इसके बाद मुंबई से लेकर दिल्ली तक पुलिस अलर्ट हो गई थी। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की। उससे सलमान के घर के बाहर मिले धमकी भरे पत्र के बारे में सवाल पूछा गया। लॉरेंस ने कहा कि इस पत्र में उसका कोई हाथ नहीं है। लॉरेंस ने कहा कि उसे नहीं पता कि ये धमकी किसने दी है। जोधपुर जिले की एसीबी के एडिशनल एसपी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नाम से लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिलने पर राजपुरोहित ने उद्यम मंदिर पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उनके नाम व पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार राजपुरोहित ने रिपोर्ट दी है कि उनके कार्यालय में राजेश कुमार ने रिपोर्ट दी है कि उनके एक रिश्तेदार भरत कुमार अहमदाबाद में रहते हैं। उनका एक अन्य रिश्तेदार दिलीप पोरवाल के साथ लेन देन का कोई विवाद चल रहा है। भरत के पास किसी अज्ञात शख्स ने फोन कर कहा कि वह एसीबी का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित बोल रहा है। तुम्हारा दिलीप के साथ 10 लाख रुपये का क्या मैटर चल रहा है? मेरे पास सारे सबूत हैं। ऐसे में इसका क्या करना है? 8 जून को मेरे तुम्हारी पेशी है, मेरे ऑफिस में आ जाना। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद राजपुरोहित को पता चला कि कोई उनके नाम से फर्जी फोन कर लोगों को धमका रहा है। सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र में 1,72,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित नेमी चंद ने रिपोर्ट दी है कि उसके पिता के फ़ोन पर मैसेज के जरिए एक लिंक आया था। जब उसने लिंक पर क्लिक किया तो किसी ने फ़ोन को हैक कर उसे अचानक कुछ देर बाद बंद कर दिया। इसके बाद जब नेमी चंद ने फ़ोन चालू किया तो उसके खाते से 20,000 रुपये SBI के अकाउंट, यस बैंक के अकाउंट से करीब 1,29,000 और शेष अमाउंट फ़ोनपे पेटीएम के जरिए कुल 13 अकाउंट से कुल 1,72,690 रुपये निकाल लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर पेट्रोल पंप के पास घर में लाखों की चोरी होने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार बेटे का इलाज करवाने के लिए जयपुर गया हुआ था। 5 दिन बाद जब वापस घर लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे। कमरों में अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे। अज्ञात चोर घर से करीब 15 लाख रुपये के गहने और 4 से 5 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू की।